सभी को नमस्ते। आज मैं बात करूंगा मुद्राओं के बारे में। आपने सुना होगा ऐसा कुछ नाम की मुद्रा होती हैं, हस्त मुद्रा होती हैं या फिर योगिक मुद्रा होती हैं। तो आज हम बात करेंगे हस्त मुद्रा की। योगिक मुद्रा अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको हम फिर कभी देखेंगे। हस्त मुद्रा में ये होता है कि आप अपने फिंगर्स का यूज़ करके अपने जो डिजीज़ेज़ हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप सही कर सकते हैं, अपने शरीर को एक नई डायमेंशन दे सकते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपका जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। इन 5 एलिमेंट के अलावा हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है, यही 5 एलिमेंट हमारे शरीर को रखे हुए हैं। कोई भी चीज़ है यूनिवर्स में वो सब इसी 5 एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। इनको बोलते हैं महाभूत, ठीक है, पंच महाभूत। अब ये हम अपने फिंगर के जेस्चर को इस तरह से या इस तरह से आपने देखा होगा जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, या इस तरह से आपने देखा होगा जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हम अलग अलग अपने जेस्चर्स रखते हैं, हाथ के हैंड जेस्चर्स को चेंज करते हुए, ठीक है। तो इनके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, इनके कुछ मीनिंग्स होते हैं, तो वो आज हम समझेंगे क्या होते हैं। तो उसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम मींस कि हमारे अंदर पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, ठीक है, हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे फिर अगर हम आए तो थायराइड है, पैराथायराइड है, थायमस है, थायमस के नीचे आते हैं तो पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये सब है। उसके बाद टेस्टिस, ओवरीज, तो इस तरह के अलग अलग हमारे ग्लैंड्स हैं। उसका एक सर्कल चलता है, ठीक है, और हर एक सर्कल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो जो एंड पॉइंट होता है वो हमारी फिंगर्स से रिलीज़ हो रहा होता है। हमारे अंदर प्राण है, जैसा मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था प्राण प्राणायाम वाला, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे हमारे प्राण है तो वो प्राण इन फिंगर्स के थ्रू एग्जिट जा रहे हैं, वो वेस्ट जा रहे हैं। अगर हम उसको डायरेक्शन सही दे दें, एक सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो होगा ये कि उससे हम अपने एनर्जी को सही से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि हमने इस तरह से अपना हैंड जेस्चर बनाया, हैंड जेस्चर इस तरह से बनाने का मतलब कि मेरे ये फिंगर से एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, वो मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और मैंने वापस अपनी बॉडी के अंदर भेज दी। तो बॉडी के अंदर वो वापस जाएगी और जाते जाते उस पर्टिकुलर ग्लैंड को एक्टिव करेगी, उसको हील करेगी जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह से बैठना है या इस तरह से बैठना है तो आप सोचें कि सारी एक साथ कंट्रोल हो जाए, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बार हाथ की जो एलिमेंट्स हैं वो समझा देता हूँ कि हमारे अंदर जो 5 एलिमेंट है वो फिंगर से कैसे रिलेटेड है। तो ये होता है अंगुष्ठ, थंब, जिसका फायर एलिमेंट होता है, ये हो गया इंडेक्स फिंगर, इसका होता है एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, ठीक है। तो तर्जनी, ये जो होती है इंडेक्स फिंगर, तर्जनी जिसको बोलते हैं, ये इसका होता है वायु, ये मध्यमा हो गया या अनामिका हो गया, तो मध्यमा का हो गया स्पेस, अनामिका का हो गया आपका अर्थ और ये हो गया वाटर, ठीक है। इसको याद कैसे किया जाए कि देखो, अगर देखें कि ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन होता है, आकाश, इसलिए ये आकाश तत्व। ये सबसे नीचे है, सी लेवल से अगर हम नीचे देखेंगे तो यहीं पानी होगा, पानी होगा तो नीचे वाला पानी ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरी उंगली ये वाली थोड़ी सी बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो हवा धरती से, हवा थोड़ी सी ऊपर होती है, एटमॉस्फेयर ऊपर होता है, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है, कईयों की उंगली ये वाली छोटी होती है इसके कंपेरिजन, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो थंब रीजन है वो होता है आपका फायर। अब आपने इस तरह से इसको ज्ञान मुद्रा बनाया, इसको बोलते हैं हम ज्ञान मुद्रा। जब आपने उसको ज्ञान मुद्रा बनाया तो एनर्जी आ रही थी, उसकी डायरेक्शन आपने सर्किट कंप्लीट कर दिया, उसकी डायरेक्शन आपने चेंज कर दी और वो वापस अपने शरीर में चली गई, तो वो वेस्ट नहीं हुई, वो एनर्जी क्या वेस्ट नहीं हुई, आपने उसको यूटिलाइज़ कर लिया सही तरीके से। तो उस यूटिलाइजेशन को, जैसे हम अगर ज्ञान मुद्रा की बात करें तो ये होती है ज्ञान मुद्रा, ठीक है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ज्ञान मुद्रा, मतलब इसका रिलेशन कुछ ब्रेन से होगा। ये क्या करती है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट या हील करती है। तो ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज आते हैं वो सब ज्ञान मुद्रा में बैठने से सही हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैंने एयर को फायर से इस तरह टिप टू टिप कनेक्ट किया तो मेरा जो एयर एलिमेंट होगा वो बैलेंस हो जाएगा। अगर मैंने इसको नीचे दबा दिया तो वो रिड्यूस होगा, इसको बोलते हैं हम वायु मुद्रा, ठीक है।
यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ इस तरह से दबा रहा हूँ तो वो रिड्यूस हो रहा है, अगर टिप टू टिप है तो वो बैलेंस हो रहा है। इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ये नेचुरोथेरेपी का एक कंसेप्ट है, ठीक है। और नेचुरोथेरेपी यही कहते हैं कि हमारा जो शरीर है 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, तो उनको अगर सही कर लिया तो हम किसी भी चीज़ को सही कर सकते हैं अपनी बॉडी में। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि ज्ञान मुद्रा, तो ये ज्ञान मुद्रा में एयर का एलिमेंट हमारा बैलेंस हो रहा है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है और हील कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम पे कौन सी इश्यूज आ सकते हैं कि हमारे को मेमोरी लॉस, या हमारे को वर्टिगो मतलब चक्कर आना, या फिर हमारे हाइपर एक्टिविटी जैसे, या फिर हमको बोलेंगे सिर में दर्द हो रहा है। तो जब इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं तो आपको 45 मिनट डेली इस तरह से दोनों हाथों से इस तरह ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना है। अब 45 मिनट मिनिमम इसको चाहिए, 40 to 45 मिनट डेली इसको चाहिए। अब दोनों हाथों से करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारे राइट को कंट्रोल करता है और राइट हमारे लेफ़्ट को कंट्रोल करता है, इसलिए दोनों साइड हमको करना ही बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद दूसरी हम देखें कि ये होती है वायु मुद्रा। मैंने अपनी फिंगर को, मैंने अपने ये जो तर्जनी उंगली है उसको मैंने अपने अंगुष्ठ के नीचे दबा लिया है, अपने थंब के नीचे इस तरह से प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा जो एयर एलिमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। एयर एलिमेंट मतलब हमारे अंदर जो वात दोष होता है, जैसे आयुर्वेद के 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, तो हमारे वात दोष को ये कम करता है। अब वात दोष में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो मान लो अगर आपको वात आया तो वात से आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डकार आ सकती है, बर्पिंग जिसको बोलते हैं, या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एसिडिटी जो होता है वो फायर प्लस एयर का होता है, तो उसमें भी एयर है इसलिए ये चीज़ हो गया। वर्टिगो, वही चक्कर आना, या फिर वात अगर कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट में अगर घुस गया तो वहाँ पे वो पेन का स्ट्रोक देगा, ठीक है, वहाँ पे वो पेनिंग सेंसेशन देगा ही देगा। तो ये वात की कंडीशन होती है कि वो पेन क्रिएट करता है। तो आपको घुटने में पेन हो सकता है, या फिर आपको मसल का पेन हो सकता है, या फिर आपको सिर का दर्द हो सकता है, तो आप इस तरह से इस मुद्रा में आप बैठेंगे 40 to 45 मिनट डेली। इसको आप 6 महीने तक करेंगे तो जिसकी बहुत लॉन्ग टर्म वाली प्रॉब्लम्स हैं वो इससे क्योर होने लगेगी। उसके बाद हम बात करते हैं शून्य मुद्रा। ये है शून्य मुद्रा, रिड्यूस स्काई, स्काई को हमने रिड्यूस कर दिया। तो स्काई को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि जैसे हमारी हड्डियों के अंदर अगर स्काई एलिमेंट आ जाए, मतलब स्काई का मतलब स्पेस आ जाए, ठीक है। तो हड्डियों के अंदर स्पेस आने का मतलब ये हो गया कि वो कैसी हो रही हैं, खोखली हो रही हैं। खोखली होने का मतलब कि हमारी बोन जो है वो कमज़ोर हो रही हैं। अच्छा, बोन कमज़ोर हो रही हैं तो वहाँ पे हमारी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो बढ़ रही है, मतलब हमारे अंदर कैल्शियम कम से कम जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, ये हो गया आपका शून्य मुद्रा। उसके बाद अगर मैं देखूँ, ये एलिमेंट था मेरा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट मतलब मैंने अगर इसको पृथ्वी को इस तरह से दबा दिया तो ये अर्थ एलिमेंट हो गया मेरा, तो पृथ्वी मुद्रा इसको बोलते हैं। अच्छा, अर्थ वाली कंडीशन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आप सोचें कि अर्थ वाली कंडीशन कौन सी हो सकती हैं, जो भी हमारे शरीर में स्ट्रॉन्ग पार्ट दिख रहा है जो भी, वो सब अर्थ एलिमेंट है। जैसे हड्डियाँ हो गई तो उसको वो हड्डियों को गेन कराएगा, ठीक है। या फिर हमारा जो पंच तत्वों में जो एक तत्व होता है अर्थ एलिमेंट, तो वो अर्थ मतलब सॉयल हो गया, है कि नहीं। सॉयल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 18 काइंड्स के, तो 18 टाइप के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी जो डेफिशिएंसी अगर हमारे अंदर हो जाए तो उसको वो बैलेंस करता है, ठीक है। ये पृथ्वी मुद्रा का काम हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी और चीज़ देख सकते हैं कि लोगों में अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पर करिए, तो इससे वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ENT की प्रॉब्लम इससे क्योर हो जाएगी। और स्पेस वाली जो मैंने बताई थी शून्य मुद्रा, ENT उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। ENT के लिए शून्य मुद्रा एकदम बेस्ट है। उसके बाद अगर मैं देखूं प्राण मुद्रा, तो इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा, मतलब मैंने अपनी लिटिल फिंगर को और रिंग फिंगर को अपने थंब टिप से टिप टू टिप मिला दिया और इन दोनों उंगलियों को मैंने स्ट्रेट रखा, तो ये हो जाएगी मेरी कौन सी, प्राण मुद्रा। अच्छा, प्राण मुद्रा अगर आप करते हैं तो ये आपके अंदर हीटिंग का इफ़ेक्ट बढ़ा देगी। अगर हीटिंग का इफ़ेक्ट आया तो आप ये कह सकते हैं कि आपको गर्मी लगने लगेगी, या फिर आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी,
या आपका बीपी लो हो रहा है तब आप इसको करें, बीपी हाई वाले इसको ना करें वरना और ज़्यादा बीपी बढ़ेगा इससे, ठीक है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो इसको आप सिर्फ सुबह के टाइम करें, शाम के टाइम करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इस पर एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। यह सुबह के टाइम आप उठे और डलनेस फील कर रहे हैं तो इसको आप रेगुलर करें, तो इसको 15 मिनट अगर आप इस तरह से दोनों हाथों से अगर 15 मिनट करके ऐसे बैठ जाएंगे ज्ञान उसमें प्राण मुद्रा में ध्यान में, तो आपको एनर्जी का लेवल सडन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्राण मतलब अपना कौन सा था कि वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट को ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है अपान वायु। अपान वायु में क्या होता है, पहले मैं आपको अपान समझाऊंगा कि अपान मुद्रा क्या होता है। अपान मुद्रा होता है ये, जब हमने मिडल टू फिंगर्स मतलब अपनी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को जब मैंने टिप टू टिप इसको मिला दिया तो ये मैंने अपान वायु को कंट्रोल कर लिया, मेरा जो अपान प्राण है उसको मैंने कंट्रोल कर लिया। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, ठीक है, जो मेन प्राण होते हैं 5 वो होते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं अपान की, तो ये अपान वायु है। अपान वायु जो होती है वो हमारी नाभि से नीचे की पोर्शन को कंट्रोल करती है। नाभि से नीचे हमारे किडनी हो गया, हमारे यूरेटरी पार्ट हो गया, पूरा यूरिन पार्ट हो गया, तो वहाँ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे उन सबको ये सही कर देगी। किडनी से रिलेटेड इशू को सही कर देगी, यूरिन से रिलेटेड इशू को सही कर देगी। तो जिन बच्चों को रात में टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है, ये अपान वायु, अपान मुद्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होती है अपान वायु। तो अपान और वायु, वायु मुद्रा ये थी और अपान मुद्रा ये थी, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बनेगा अपान वायु, ठीक है, ये होती है। अब इसका जो शेप होता है वो कुछ हर्ट के जैसा इमेजिन किया गया, तो इसलिए ये बोलते हैं कि ये जो मुद्रा है वो हर्ट की मुद्रा है। हर्ट की मुद्रा इन सेंस कि अगर आपको स्ट्रोक आया, हार्ट में आपको अगर प्रॉब्लम हुई, दर्द हुआ या हार्ट अटैक आया, तो तुरंत आप इस मुद्रा को करेंगे और इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। ये ऐसे इंजेक्शन के जैसा काम करता है कि आपने इसको किया थोड़ी देर में ही, कोई भी पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आया वो अगर इसको थोड़ी देर इस तरह से करके बैठा रहेगा इस तरह से, तो उसको एक ऐसे इंजेक्शन जैसा मिल जाएगा कि एक इंसुलिन मिल गया उसकी बॉडी को कि उसका जो हार्ट अटैक का इशू था वो ख़त्म हो गया। तो ये थी कुछ बेसिक मुद्राएँ मैंने आपको बताया, बाकी मुद्राओं के बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसमें और भी मुद्रा होती हैं, अलग अलग मुद्रा होते हैं, अलग अलग आपने स्टैचूज पे मुद्रा देखी होंगी, मैं उनके बारे में भी आपको जल्दी बताऊंगा। साथ ही साथ में आपको जो फिज़िकल मुद्रा होती हैं जैसे कि हमारी विपरीत करनी हो गई या फिर खेचरी मुद्रा हो गई, योनि मुद्रा हो गई, पालविनी मुद्रा हो गई, है ना, ये सब जो मुद्राएँ हैं, मतंगनी मुद्रा हो गई, ताड़ाग्नि मुद्रा हो गई, तो ये अलग अलग मुद्राओं के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे हस्त मुद्रा के बारे में, तो हस्त मुद्रा में मैंने आपको बताया एक तो ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, उसके बाद पृथ्वी मुद्रा, ये हो गई प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा, ठीक है। तो ये था आज का, नमस्ते।